दमोह जनपद के ग्राम बलारपुर में जल संकट गहरा गया है। नल जल योजना संचालन में की जा रही मनमानी के चलते 3 दिन के अंतराल में मात्र एक वार्ड को पानी मिलता है। ग्रामीणों को पानी की तलाश में 2 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। गांव के हैंडपंपों ने भी दम तोड़ दिया है। गांव की आदिवासी महिला बसंत रानी ने बताया कि वे लोग गंदे दूषित पानी को पीने के लिए मजबूर है। गांव में सरकार द्वारा संचालित नल जल योजना मात्र सरपंच के मोहल्ले में चल रही है, जिसका 3रे दिन पानी खुलता है। बाकी गांव की 90% आबादी पानी की समस्या से जूझ रही है। आसपास के कुएं का पानी सूख चुका है, जिस कारण गंदा पानी पीने के लिए ग्रामीण मजबूर है। शासन के लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी ग्राम पंचायत बलारपुर में पानी की किल्लत बनी हुई है, लेकिन यहां कागजों पर नल जल योजना संचालित है। गांव में बनी पानी की टंकी शोपीस बनकर रह गई है। सबसे ज्यादा परेशानी वृद्ध महिलाओं एवं गर्भवती महिलाओं को हो रही है। गांव की महिलाओं ने सरपंच पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि गांव में जिन्होंने उसे वोट दिया है उनको ही पानी मिल रहा है। ऐसे में जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को ग्रामीणों की समस्या पर ध्यान देना होगा। पानी कैसा है? और आप लोग पीवे के ला रहे हैं। पानी आपको नहीं मिल रहा पीवे के लाने, जल संकट काफी यहाँ पर है। और ये टंकी बनी है तो उस टंकी का नहीं है, तो बड़े बड़े आदमी मिल रहा हमारे मिलते ही नहीं है, बिल्कुल आदिवासी मोहल्ला में बड़े आदमी। आप लोगों के लिए ना ही पानी मिल रहा है, और जो पानी है कुआं का, उस कुआं का भी हम आपको इस वीडियो में पानी दिखा रहे हैं किस प्रकार से दूषित पानी है। दूषित पानी के पीकर यहाँ बच्चे और महिलाएं सब परिवार के लोग बीमार पड़ते हैं। आप इस कुएं का पानी देख सकते हैं किस प्रकार से यह गंदा पानी है, और इस गंदे को पानी लोग पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं पीने में। अगर इसकी उच्च स्तरीय डॉक्टरी जांच हो जाए तो यह पानी पीने योग्य नहीं है। और इस पानी के जो आज हमारे इस ग्राम बलारपुर में जल संकट है, यह लोग मजबूर हैं इस पानी को पीने के लिए। आपको हम दिखा रहे हैं इस कैमरे में, यहाँ पर तमाम हमारे इस गांव की औरतें यहां पर पानी भरने के लिए दूर दूर से आई हुई हैं। तो इनका यही कहना है कि हमारे बलारपुर में जो जल संकट है, तो यह जल संकट दूर किया जाए और पानी की व्यवस्था की जाए। आप सभी से यही इन सभी का निवेदन है। दमोह से श्रीकांत मिश्रा की रिपोर्ट।